आज हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो पिछले कुछ वर्षों से नवोदय एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हमारे कुछ एक सवाल देखते हैं कि 5 का वर्ग धन 3 का घात 4 धन 2 का घात 4 माइनस 3 का घात 3 का मान है। तो इसको क्या करेंगे, हम पहले सरल करते हैं। सरल कैसे करेंगे, 5 × 5, ठीक है। 2 है मतलब 5 का गुणा कितने बार करेंगे, 5 से ही करेंगे, ठीक है। धन 3 का गुणा कितने बार करेंगे, 4 बार। तो 3 × 3, ठीक है, ठीक। धन अब 2 का गुणा कितने बार करेंगे, 4, 2 × 2, ठीक है। अब माइनस 3 × 3, ठीक है। अब इस सबको क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 25, 5 × 5 25, उसके बाद 3 दिया 9 दिया 27 दिया 81, कितना होगा 81। धन फिर 2 का करेंगे, 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16, माइनस 3 दिया 9 दिया 27, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलो जोड़ते हैं, 25 81 और 16, 5 और 6 × 6 = 12, 12 हाथ में है, 8 × 10 = 11 और 122 कितना आया, 122 माइनस 27 कर दे, घटा देंगे कितना आएगा, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 से 7 क्या कितना हो जाएगा, 5, और ये हो जाएगा 11। तो 11 से 2 क्या, तो 9, इसका उत्तर होगा 95। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब हम अगला सवाल देखते हैं कि संख्या 78634 में 6 और 3 के स्थानीय मानों के योग और अंकित मानों के योग का अंतर है। तो सबसे पहले हम इसका स्थानीय मान निकालते हैं। देखिए हमारे पास संख्या दी हुई है 78634 में 6 और 3 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 600 और 3 का स्थानीय मान होगा 30, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि मानों के योग, योग मतलब हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 630, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, और अंकित मानों के योग, अंकित मान जितना रहता है वही रहेगा, अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 6 का अंकित मान हो जाएगा 6, का अंकित मान होगा 6 और 3 का अंकित मान होगा 3 के योग, यहां भी हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। के योग का अंतर निकालना, हमको क्या निकालना है, अंतर, मतलब इसका योग और इसका योग का अंतर क्या होगा। इसका योग स्थानीय मान का योग कितना आ रहा है, 630, अंकित मानों का योग का अंतर कितना आ रहा है, योग 9, अब इनका अंतर निकाल देंगे, ठीक है, घटा देंगे, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6, कितना है, 621, तो इसका उत्तर कितना होगा, 621। तो इस तरह से हम सवाल को हल कर सकते हैं।